हेलो माय डियर फ्रेंड्स यू नो पिछले कुछ दिनों से मेरे माइंड में एक सवाल बार बार आ रहा है कि वाट्स द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग मतलब कि किसी भी चीज़ को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है सबसे ज़बरदस्त तरीका क्या है और दुनिया के बड़े बड़े लोग किसी भी चीज़ को कैसे सीखते हैं उनके सीखने का प्रोसेस क्या है जैसे कि इलॉन मस्क बिल गेट्स वॉरन बफेट सुंदर पिचाई सत्य नडेला और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ये लोग किसी भी चीज़ को कैसे सीखते हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलोन मस्क के बारे में कहा जाता है कि जब उन्होंने अपनी कंपनी बनाई थी स्पेस तो उन्होंने खुद से रॉकेट साइंस सीख करके रॉकेट बनाना शुरू कर दिया था मतलब सोच सकते हैं रॉकेट साइंस दुनिया का सबसे हार्डेस्ट एंड टफेस्ट सब्जेक्ट्स में से एक होता है और इलोन मस्क ने उनको खुद से पढ़ा था और तब जाकर के उन्होंने रॉकेट बनाना शुरू कर दिया था थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो देख रहा था कंटेंट क्रिएटर और ऑथर डैनको का तो डैन को अपने वीडियो में बता रहे थे कि किसी भी चीज़ को कैसे सीखते हैं किसी भी चीज़ को सबसे इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे सीखा जा सकता है डैन को बताते हैं कि जब भी आप किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हो या फिर आपको किसी भी चीज़ को सीखने का मन है तो आप उस चीज़ के अराउंड एक प्रोजेक्ट बनाओ एक प्रोजेक्ट बिल्ड करो और उस प्रोजेक्ट के दौरान जब आपको कोई क्वेश्चंस आते हैं कोई सवाल आते हैं तब आप उन सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए बुक्स पढ़ो वीडियोस देखो पॉडकास्ट देखो आर्टिकल्स पढ़ो और या फिर किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करो आपने देखा होगा कि जब एक प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग सीखता है कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज सीखता है जैसे पाइथन हो जावा हो सी प्लस प्लस हो तो उनको उन लैंग्वेज सिखाने के दौरान जितना उनको सिखाया जाता है उतना उनको टास्क दिया जाता है उतना उनको प्रोजेक्ट बनाने को दिया जाता है ताकि उनकी लर्निंग के साथ साथ में प्रैक्टिस भी होती रहे एक डॉक्टर जब डॉक्टर की पढ़ाई करता है जब एक सर्जन बन रहा होता है तो वो कैसे सीखता है एक्चुअली वो प्रैक्टिस करता है विदाउट प्रैक्टिस और साथ में इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ वो डॉक्टर बन ही नहीं सकता जब तक कि वो वो अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट ना कर दे वो अपने नॉलेज को प्रैक्टिस ना करे ये होता है सीखने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका सबसे बेस्ट तरीका लेकिन बहुत सारे लोग सीखने के दौरान एक बहुत बड़ी गलती करते फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं कॉपी राइटिंग सीख रहा था तो मैं एक एक करके यूट्यूब के सारे वीडियोज़ देख रहा था मैंने यूडीमी से दो तीन कोर्सेज़ भी ख़रीदे और मैं सिर्फ नॉलेज को कंज्यूम कर रहा था और मैं प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर रहा था जिसकी वजह से मुझे कापी राइटिंग सीखने में बहुत टाइम लग गया और काफ़ी टाइम लग गया और यही गलती दुनिया के मैक्सिमम लोग करते हैं अगर वो लोग किसी भी चीज़ को सीखने जाते हैं तो वो लोग उनके अराउंड बुक्स पढ़ लेते हैं वीडियोज़ देखते हैं पॉडकास्ट देख लेते हैं आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं लेकिन जब बात आती है इम्प्लीमेंट करने की जब आती बात आती है प्रैक्टिस करने की तो वो लोग बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेते और बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं करते इसलिए बड़े लोग कहते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को सीख रहे हो तो उस पर तुरंत एक्शन लो और जल्दी से जल्दी एक्शन लो अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि नॉलेज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट मतलब कि नॉलेज इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये इतना मायने नहीं रखता लेकिन आप इस नॉलेज को कहाँ इम्प्लीमेंट करते हो कहाँ अप्लाई करते हो और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप इस नॉलेज से क्या काम लेते हो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है एक और बहुत बड़ा कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं सीखने के दौरान वो कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर पर ये सरासर गलत है नॉलेज इज़ नॉट पावर नॉलेज इज़ पोटेंशियल पावर पोटेंशियल पावर मतलब एक ऐसी शक्ति एक ऐसा ताकत जो स्टोर किया हुआ है जमा किया हुआ है और जब तक आप उस ताकत को कहीं यूज़ नहीं करेंगे तो फिर इस ताकत का क्या फ़ायदा इसलिए नॉलेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक कि आप उसको इस्तेमाल फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉक्टर और उसके सामने एक पेशेंट मर रहा है उसकी बहुत तबीयत खराब अगर वो डॉक्टर उस नॉलेज का अप्लाई ना करे उसके सामने उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट ना करे तो उसके नॉलेज किस काम की इसलिए किसी भी चीज़ को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस चीज़ को सीखने के दौरान अप्लाई करो उस चीज़ पे एक्शन लो उसको इम्प्लीमेंट करो तब जा कर के असली लर्निंग मिलती है और एक्चुअल लर्निंग मिलती है और दुनिया के बड़े बड़े लोग इसी तरह सीखते हैं वेल देन ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएँ अपना इम्पॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर बताएँ ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ दिस इज़ फरहान शमी थैंक यू सो मच